आईपीएल 2019 के 13वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने 14 रन से सैम करंट की हैट्रिक की बदौलत तूफानी जीत दर्ज की। किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 166 रन का स्कोर बनाया। आपको बता दें कि इस मैच में क्रिस गेल नहीं थे। पंजाब की तरफ से केएल राहुल सस्ते में आउट हो गए और राहुल ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाए, तो वहीं सैम करन भी 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा रन डेविड मिलर ने बनाए। डेविड मिलर ने 30 गेंदों में 43 रन की पारी खेली। इस पारी में डेविड ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े, तो वहीं सरफराज खान ने 29 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 39 रन की पारी खेली और मनदीप सिंह ने 21 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 29 रन बनाए और पंजाब ने दिल्ली के सामने जीत के लिए 167 रन का लक्ष्य रखा। दिल्ली की तरफ से क्रिस मॉरिस ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके, तो वहीं रवाडा और संदीप ने 2-2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स 20वें ओवर में 152 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पंजाब की तरफ से मैच के हीरो रहे सैम करन ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 6 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत थी और दिल्ली की 8 विकेट हो चुकी थी। वहीं अपना तीसरा ओवर लेकर आए सैम करन ने पहली गेंद पर रबाडा को क्लीन बॉल्ड कर दिया। अब दिल्ली को चाहिए थे 5 गेंदों पर 15 रन और 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए संदीप। इधर सैम करन की हैट्रिक बॉल थी और सैम करन ने संदीप को भी क्लीन बॉल्ड कर दिया और इस विकेट के साथ अपनी हैट्रिक भी पूरी कर ली और अपनी टीम किंग्स इलेवन पंजाब को तूफानी अंदाज में जीत दिला दी। इधर प्रीति जिंटा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और प्रीति जिंटा को इस मैच के दौरान खुशी से भावुक होते हुए देखा गया। आपको बता दें कि किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने 4थे मैच में 3री जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ पंजाब पॉइंट्स टेबल में 2रे नंबर पर पहुंच गई है। आपको सैम करन की ये तूफानी गेंदबाजी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।